नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू वर्ल्ड टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज का विषय है पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ ऐसी गलतियां जिसे हम अनजाने में करते हैं जिस कारण वर्ड का वजन सही नहीं आ पाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे अपना प्यार दुलार देने हेतु वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में घंटी नुमा निशान को एक बार जरूर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। दोस्तों, फॉर्म में चिक्स डालने के दिन से 15 दिन का जो समय होता है, ये ग्रोथिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 15 दिन में चिक्स की जैसी ग्रोथिंग होती है, उसी के अनुसार आगे भी हमारे वर्ड की ग्रोथिंग होती है। अब मैं बताता हूँ इन 15 दिनों में क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है जिस कारण ग्रोथिंग प्रभावित होता है। अगर वर्ड को कोई बीमारी लगती है, जिस डेट से वर्ड बीमार हुआ है उस डेट से जिस डेट को वर्ड बिल्कुल स्वस्थ हुआ, ये वो समय है जिसमें वर्ड की ग्रोथिंग भी रुकी रहती है, साथ ही वर्ड का वेट भी लॉस होता है। जैसे इकोलाई हो, सीआरडी या कॉक्सी या गाउट हो, या वर्ड को पतला बीट आ रहा हो आदि। अब मैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। ब्रॉयलर मुर्गे मुर्गियाँ फर्म में पालन की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 40 या फिर 42 दिन होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्ड के हर मूवमेंट को समझना और उस समस्या का समाधान करना। रोग से संबंधित दवा चलाते समय सही डोज का इस्तेमाल करना, ज़्यादा डोज ग्रोथिंग प्रभावित करती है। वर्ड डालते समय भूसी में प्रति 10 kg भूसी में 1 kg चूना पाउडर मिलाएं तो इकोलाई की समस्या नहीं आती। अन्य रोग हेतु ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद दवा का प्रयोग करें, जड़ी बूटी के सहारे खुद अपने हाथों दवा तैयार करें। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, आयुर्वेद ही एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य से लेकर पशु पंछी सभी पर एक समान काम करता है। इस चैनल पर सभी बीमारियों के निवारण हेतु अलग अलग वीडियो डाला गया है जिसमें आयुर्वेद एवं एलोपैथ दोनों तरीकों को बताया गया है। आयुर्वेद से संबंधित अन्य जानकारियां हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।